हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक है? आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम शेक, जो गर्मियों के दिनों में पीना चाहिए, क्योंकि अपना आम खाते हैं तो वो ज़्यादा गर्मी करते हैं। आम शेक ना पियोगे तो गर्मी नहीं करेंगे, और बच्चे भी शौक से इसे पियेंगे। खाली दूध पीते हुए बच्चे बहुत रोते हैं कि नहीं मम्मा, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे मेरे बच्चे भी यही बात बोलते हैं, इसलिए मैं उनको अलग अलग तरीके की चीज़ें मिक्स करके पिलाती रहती हूँ, तो दूध भी पी लेते हैं और स्वाद भी बन जाता है। तो आप लोग ये चीज़ देख लो, मैं सारी रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी रेसिपी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देना ना भूले। बाय। चीनी भी लेनी है फ्रेंड्स। ये है रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ, ये है दूध, आधी किलो दूध है। यह है बर्फ, यह है आइसक्रीम क्रीम, दो आम, और ये चक्कू, और ये हमारी मिक्सी हो चुकी है। अब हम आम को छील लेते हैं, ये खाल उतार लेंगे। हमने आम की एक आम का उतार लिया है छिलका। अब दूसरे आम का छिलका उतार लेंगे। दोस्तों, कभी भी बाजार से आम लाए तो धो के खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऊपर केमिकल लगा होता है जो अपने सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अपने बच्चे समझदार नहीं होते, इसलिए मैं हमेशा धो के इनको रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मेरे बच्चे निकाल निकाल के खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। सही से लाते ही मैं धो देती हूँ इनको। ये मेरे आम छिल चुके हैं, अब इनके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आम डाल दिए इसमें, और मैं इसको थोड़ा सा पीस लूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, एक दो चम्मच, तीन चार पाँच चम्मच, बर्फ, और ये आइसक्रीम। अभी इसमें डाल के इनको मिक्स कर देना एक बार। ये थोड़ी मिक्स हो गई है, और अब हम डालेंगे इसमें लास्ट में दूध। ये हमने दूध डाल दिया है, तो
आम शेक बनके तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम आम शेक डालेंगे। आम शेक बन गया। अब हम इसके अंदर गार्निश के लिए किशमिश, काजू, बादाम डालेंगे। यह हमारा तैयार हो गया आम शेक।